दोस्तों, क्या आपने अभी किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से अपना ऑर्डर कैंसिल किया और आपको रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला है? जहां आपने किसी ऑर्डर को रिटर्न करवाया और आपको रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना रिफ़ंड कैसे ले सकते हो। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने 14 तारीख को अमेज़ोन की साइट से एक प्रोडक्ट का ऑर्डर किया और पेमेंट भी मैंने ऑनलाइन कर दी और उसी दिन मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। तो अमेज़ोन की तरफ से मेरे को SMS भी आया जिसमें ये लिखा था कि हमने आपका रिफ़ंड इनिशिएट कर दिया है, लेकिन मेरे अकाउंट में वो पैसे नहीं आए थे। तो फिर मैंने अगले दिन यानी कि 15 तारीख को मैंने अमेज़ोन के कॉल सेंटर में कॉल करी और उनको मैंने बताया। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप 3 से 5 दिन का इंतज़ार करिए, 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो उसके बाद मैंने फिर से 23 तारीख को अमेज़ोन के कस्टमर केयर में कॉल करी और उनको बताया कि मुझे रिफ़ंड अभी तक नहीं मिला है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि हमारी ओर से तो आपको रिफ़ंड भेज दिया गया है और उन्होंने मुझे एक रिफ़ंड रेफरेंस नंबर दिया कि आप ये रिफ़ंड रेफरेंस नंबर अपने बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके उनको बताएं, तो वो आपकी आपके पैसे को वो ट्रेस कर लेंगे कि कहाँ पर है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने बैंक के कस्टमर सेंटर में कॉल करी और उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास तो ये अथॉरिटी नहीं है कि हम आपके पैसे को हम ट्रैक करें। तो वहाँ से मेरे को उन्होंने कहा कि आप अपने ब्रांच में जाएं जहाँ पे आपका अकाउंट है, वहाँ उनसे जाके बात करें और उनको ये रिफ़ंड रेफरेंस नंबर दें। तो उस दिन तो संडे था, बैंक सारे बंद थे और मैंने किसी बैंक के कर्मचारी को फ़ोन किया और उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम लोग ऐसे तो किसी का हम ट्रेस नहीं करते हैं, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आपके पैसे को जो है आपके अकाउंट में ला सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मैंने अगले दिन मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और वो मैं एप्लीकेशन भी आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि उसमें क्या क्या लिखना है। मैंने एप्लीकेशन लिखी और मैं जैसे ही बैंक में जाने ही वाला था कि मैंने उसी टाइम अपना फ़ोन देखा कि मेरे को मैसेज आ गया कि आपका रिफ़ंड जो है वो आ गए हैं, मतलब मेरे पैसे अकाउंट में आ चुके थे। तो फिर वो मेरे को एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपका रिफ़ंड फिर भी नहीं आता है 5 दिन के बाद, वैसे तो मेरा 5 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे, 2-4 दिन उसके बाद ही आया, लेकिन अगर आपका रिफ़ंड नहीं आता है तो आपको जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। आप यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट देख सकते हैं, आपको सबसे पहले लिखना है टू द बैंक मैनेजर और जो भी आपका बैंक होगा और जो आपकी ब्रांच का नाम होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद आप लिखोगे कि रिस्पेक्टेड सर और मैडम, और फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे कि मतलब आपका अमेज़ोन इशूड रिफ़ंड ऑफ RS, मेरा मतलब 528 रुपये थे, आपके जितने भी होंगे आप वो लिख देना, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड येट, मतलब मुझे अभी तक वो नहीं मिले हैं। और उसके बाद आप लिखोगे कि ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इतनी इतनी तारीख को अमेज़ोन की ओर से मेरा रिफ़ंड जो है वो इनिशिएट हो गया है, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आया है, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे उस पैसे को मेरे अकाउंट में लाने का प्रयास करें। तो ये आप लिखोगे, उसके बाद आप रिफ़ंड रेफरेंस नंबर जो भी है वो आप लिख दोगे, उसके बाद आप बैंक डिटेल्स अपनी दोगे कि आपका नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, आधार नंबर दे दोगे, उसके बाद फ़ोन नंबर, और बस उसके बाद जो भी आपका साइन वगैरह होंगे, डेट होंगे, वो आप लिख के तो आप ये एप्लीकेशन अपने बैंक में दे दीजिएगा और थोड़े ही दिनों के अंदर अंदर आपके अकाउंट में आपका रिफ़ंड आ जाएगा।